इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। लखीमपुरी खीरी के दूधवा नेशनल पार्क में बीते डेढ़ माह से तीन बाघ और एक तेंदुए की मौत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। उन्होंने जांच कमेटी बैठाई है। सीएम के निर्देश पर वन मंत्री अरुण सक्सेना पहुंचे दूधवा नेशनल पार्क। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बाघ की आपसी संघर्ष में मौत होने की बात कही है। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। शुक्रवार को देर रात उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना दूधवा नेशनल पार्क पहुंचे। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए वन मंत्री ने बताया कि मेलानी रेंज में जो घटना हुई है उसमें आपसी संघर्ष की बात सामने आ रही है। फिर भी शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा गया है। बाकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये भी कहा कि मोदी सरकार सभी पार्कों में बेहतर सुविधा और संसाधन देने का काम कर रही है। मंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार कार्य किया जा रहा है। बाकी बाघों की मौत की अगर बात करें तो एक तेंदुए की भी बाघ के अलावा खत्म हुआ है। जांच कराई जा रही है। आगे की कार्यवाही पीएम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। इंडियन टीवी न्यूज पर संजय सिंह की रिपोर्ट। बाघ का शव मिला है, 45 दिनों में चार बाघों के शव मिले हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, आज जो शव मिला उसकी पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। सिर्फ उन्होंने ओरली बतला दिया है और उससे महसूस होता है कि उसके किसी दूसरे टाइगर से या किसी और एनिमल से फाइटिंग हुई है और उसके हेड पे इंजरी थी। उसके अलावा उसके पैरों पे भी थोड़ी इंजरी की वजह से हिमटोमा था और उसके पेट में कुछ नहीं था। उसके कीड़े बहुत पड़े हुए थे। ये उम्मीद की जाती है कि शायद 3-4 दिन पहले उसकी डेथ हुई और उसके बाद उसके कीड़े मक्खी से जो पड़ते हैं वो उसके पड़ गए। शेड्यूल वन के 5 जानवरों की 45 दिनों में मौत हुई है, क्या कहीं ना कहीं कोई लापरवाही सामने आई है या कुछ? देखिए ऐसा है, कोई लापरवाही ऐसी नहीं आई है जो हम अभी तक बताएं। फिर भी हम इसकी पूरी जांच करेंगे और जरा भी अगर कोई ऐसी बात होगी लापरवाही वाली तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। मुख्यमंत्री जी ने आपको भेजा, इसीलिए जान के संज्ञान लिया मुख्यमंत्री जी ने? जी हाँ, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मैं इस बात तो खास तौर से देखूंगा कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है, अगर लापरवाही है तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। तो क्या सर लापरवाही क्या सर नजर आई, सीएम साहब ने भेजा, क्या लापरवाही नजर आई? अभी तक लापरवाही नजर नहीं आई, लेकिन मैं अभी पूरी जांच करके तो इस बात को बताऊंगा। सर एक जानकारी मिली थी अभी मेलानी वन रेंज में एक बाघिन की मौत हुई थी जिसमें वो प्यास की वजह से मरी थी, पानी की कमी की वजह से। सर इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए जंगल के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है एनिमल को जिस तरह का बीमार हो जाता है जो पानी पास में है लेकिन पानी पी नहीं पाता है तो अंदर पेट में नहीं होगा पानी। सर एक चीज और है, जिस तरीके से यहाँ पर दुधवा वन रेंज पे काफी पेड़ों का, हरे पेड़ों का कटान हो रहा है, इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए हरे पेड़ों का जो कटान है आप मुझे बताइए कहाँ का कटान है, मैं कल ही जाके देखूंगा पेड़ का कटान है तो तुरंत एक्शन होगा। सर एक चीज बताइए कि ये बाघ यहाँ पर 45 दिन में 5 बाघों की मौत हुई है? नहीं, मोदी 45 दिन में 5 तेंदुओं की, 4 तेंदुओं के, तेंदुआ बाघ नहीं है, शेड्यूल वन में तो है, शेड्यूल वन में है, ये बात आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है कि बाघ बचाओ, बाघों का संरक्षण हो, और कहीं ना कहीं जिस तरह से बाघों की मौत हो रही है उसे मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। देखिए हम उसको उनसे कह रहे प्रधानमंत्री हमारे देश के क्या दुनिया के नेता है इस वक्त, और अगर उनका कोई प्रोग्राम है तो हमारा सबका प्रोग्राम है और हम इसके लिए बहुत सीरियसली, मैंने कहा अभी मैं आया ही हूँ, अभी तो मेरी सिर्फ बात हुई है, मैं पूरी जांच करूंगा, कहीं लापरवाही होगी कोई रियायत नहीं रखी जाएगी। सर इसमें एक सवाल और है कि लगातार जो बाघ हैं वो जंगलों से निकलकर शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या कारण? के अंदर पानी वगैरह नहीं, व्यवस्था नहीं उनकी? जंगलों से जो बाहर आ रहे हैं उसकी कई वजह होती है। एक तो ये टाइगर्स का नंबर अब बढ़ रहा है और इन टाइगर्स में टेरिटोरियल वार होती है, हर एक का अपना अपना इलाका बना हुआ होता है, तो जब नंबर बढ़ जाता है तो इलाके के पीछे भी लड़ाई होती है और अगर किसी को कोई इंजरी हो गई जैसे दांत टूट गया, पंजे में हो गई, ताकि वो शिकार करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है तो वो सोचता है ऐसा शिकार मिले जिसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए भी बाहर जाता। क्या सर इसको ये माने कि कहीं ना कहीं जंगलों में जो है व्यवस्थाएं नहीं है पानी के लिए और शिकार के लिए बाहर निकलना पड़ता है? जंगल में पानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए पानी की कमी बिल्कुल नहीं है जंगल में।
मैंने इस बात को खास तौर से पूछा और कि और ये जो जानवर जो आज मेरा मिला वो जहाँ पे मरा वहाँ पानी पानी था, मतलब जाने के लिए भी दिक्कत थी। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।